ओजी प्लेयर है, ओजी का मतलब समझो, ओजी मतलब ओजी किसको बोलते हैं मालूम है क्या? फॉर एग्जांपल नियो, जॉनी बन या बनी गया है, मतलब थोड़ा बहुत मैं जस्ट नीचे देखा, मैं पीछे आ गया, मैं बोला नो आई एम नॉट गोइंग। तो वो नीचे का पहले बादल दिखे, ये दिखा वो दिखा, मेरी सांस उधरी खपल गया मैं तो। नए बूट कैंप का क्या सीन है? बन या बनी गया है, मतलब थोड़ा बहुत सफाई वफाई और थोड़ा पेंट वेंट बचा है बस, और कुछ नहीं बाकी। और वहाँ पे पीसी वगैरह लगने हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। एस पावर एज 15 है, मार्च में 16 का होगा, तो गोडल में न्यू प्लेयर की क्या ज़रूरत है की? अभी भाई उसको 16 साल का होने के लिए चाहिए 14 महीने। अपन स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले, अपना जो डेली मस्ती करते थे अपन ऑन स्ट्रीम, वो स्टार्ट करने वाले हैं अपन 15 के बाद से। न्यू बूट कैंप पे बहुत मजा आने वाला है। न्यू बूट कैंप इतना तुम्हारा भाई घूमने वाला है, बूट कैंप में मिलने ही नहीं वाला है वो पूरे बूट कैंप में। चैट में जो तुम हंस रहे हो ना स्काई डाइव, सुनो स्काई डाइव बहुत मस्त एक्सपीरियंस था भाई, सच बोलूँ तो, सच बोल रहा हूँ, ठीक है सच बोल रहा हूँ, बहुत मस्त एक्सपीरियंस था स्काई डाइव का जो था जंप भाई, जो मतलब फटी है तुम्हारे भाई की, जो फटी है जब प्लेन, ठीक है एकदम, ठीक है हवा में एकदम ऊपर, ठीक है 13,000 feet, और वो बहुत ऊपर होता है, ठीक है बहुत मतलब बहुत ऊपर। मैं ऊपर से सुनो, मैं था गेट पे, ठीक है वो गेट प्लेन की गेट, ठीक है ऐसा मैं जस्ट नीचे देखा, मैं पीछे आ गया, मैं बोला नो आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं बोला उसको मैं नहीं जा रहा हूँ, बोला नो ब्रो लेट्स गो कूदो, ठीक है तो भाई मेरी फट गई सब चीज, इतनू इतनू दिख रही, ठीक है इतनू इतनू सी भाई मेरी तो फट गई, कभी किया नहीं हुए। और फ्री फॉल होता है, ठीक है जब आप कूदते हो सीधा नीचे जा रहे हो, तो मैं आग बंद कर दिया, मैं बोला लेट्स गो ब्रो, ठीक है तो वो भाई आए मेरे को पीछे से ढकल लिया और हम सीधा गिर गए, ठीक है नीचे, तो मेरी फट गई। मैं बोला कि भाई अभी तो मरने वाला हूँ, अभी वापस से और ऊपर जाना है, अभी 13,000 feet पे थे, अभी अपने को और ऊपर जाना है, सीधा हेवन में जाना है अपने को। तो भाई जो फटी है ना तुम्हारे भाई की, बात ही मत करो उस चीज़ के बारे में, बट भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया भाई। नीचे जा रहा था, ठीक है जब फ्री फॉल हो रहा था, ठीक है नीचे, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, होता है सांस लेने में प्रॉब्लम, मैं सोचा भाई मरने वालों, सामने वाला कैमरा वाला ऐसा, ठीक है ऐसा पैर वैर ऊपर कर रहा है ऐसा, और आ रहा है ऐसा, ठीक है कैमरा लेके, और मेरे को इधर सांस लेने नहीं हो रहा है। मैं बोला भाई भाड़ में जाए एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, भाड़ में जाए फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे को सांस लेना ही होगा, तो कैसे सांस ले रहा हूँ पता है? तो ऐसा था कि भाई मस्त एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ टाइम में, इट वाज माय लाइफ टाइम, इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ में, पहली बार मैंने ऐसी चीज़ किया हो जो कि मुझे। गुरु भाई यू कर रहे हैं, हम बहुत दूर से देख रहे थे यू कर रहे हैं, हमको लगा उल्टी हो गई गुरु भाई को, और उस टाइम जस्ट मैंने और नियोने खाया था। नियो वॉशरूम के अंदर जाता है, वो उल्टी कर मतलब खुद करवाता है जानबूझ के ताकि उसको ना हो जाए, बोलता है तू भी कर लो, मैं कपा के देखा। फिर आता है जॉनी और घातक कटन, वो दोनों, तो मैं और नियो जाते हैं, अभी हमारे प्लेन में से 7 बंदों ने, सिर्फ 7 ही बंदे थे, बाकी सबने मना कर दिया था कि हम जम नहीं करेंगे, ऐसा हो गया था। और उसमें भी मैं और नियो सबसे लास्ट में बैठे थे, बाकी सबने मना कर दिया था कि हम आएंगे नहीं, जम नहीं करेंगे। तो हमारे जो वो स्काई डाइविंग करवाता था, जो भी हमारा वो था डाइवर जो भी बोलते उसको, तो वो उसका उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, क्या लूजर लोग है ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो हमको अच्छा लगा भाई, हम जम के नहीं जा रहे, प्लेन में उड़ते तो होपलेस हो गए कि अब तो पीछे भी नहीं हट सकते। तो हम गए, नियो मेरे से पहले कूदा था, अभी वो जैसे गेट खुलता ना इतनी ठंडी हवा आती है ना, आधा तो उससे ठंडी हो जाती है बॉडी कि अभी क्या। तो ऐसे आप विंडो में से नीचे देखोगे ना कुछ डर नहीं लगता है विंडो में से, क्योंकि प्लेन की विंडो में से सेम नज़ारा दिखता है, ऐसे विंडो में से सेम दिखता है कितना ही ऊपर होगा। जैसे वो गेट खुला ना, नियो गया, मैंने नियो को देखा भी, नियो को बस कूदते हुए देखा मैंने। अब जैसे मैं प्लेन के पास गया ना, हमको क्या करना रहता है, गर्दन ऊपर रखनी पड़ती है, गर्दन ऊपर और पैर 90 डिग्री पे पीछे की साइड, मतलब पीछे यूँ रखना पड़ता है पैरों को, ये पोजीशन रहनी चाहिए, गर्दन ऊपर और पीछे पैर 90 डिग्री पे, और हाथ इधर, कूदते टाइम ये पोजीशन रहनी चाहिए, और जब वो टैप करेगा तब आपको कोई मतलब कुछ भी साइन करना है, कुछ भी करना है। जैसे हम गेट पे खड़े रहते हैं ना, तो हमको पकड़ना अलाउड नहीं रहता ऊपर या साइड में कुछ, वो जो हमारा जो जम कराता है ना वो पकड़ता है, और हमको यूँ रहना पड़ता है। तो मैं नीचे एक भी बार नहीं देखा जब तक हम कूदे नहीं थे, जब तक गेट के पास खड़े थे। अब जैसे ही कूदे, मेरा मुँह यू का यू मतलब वो कूदे कूदते वैसे है ना, तो अपने आप नीचे का दिखता है, तो पहले तो मैं देखा नहीं, मैं जैसे ही आँखें बंद कर भाई जो व्यू देखा, मेरी सांस अटक गई। एक तो पूरा इतना ब्रॉड व्यू था ना कि ब्लर होके फोकस गया मेरा तो आँखों का, तो वो नीचे का पहले बादल दिखे, ये दिखा वो दिखा, मेरी सांस उधर ही खपल गया मैं तो। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुआ, फिर मैं नाक से सांस ले रहा, नाक से सांस नहीं आ रही, मुँह से सांस ले रहा, मुँह से सांस नहीं आ रही, वो हवा इतनी तेज़ आ रही है, और मैं यूँ देख लिया, हमको यूँ रखना पड़ता है, तो मैं यूँ सांस ले जा रहा हूँ, नाक से नहीं आ रही, मैं मुँह ऊपर करके नाक से ले रहा हूँ, ज़्यादा हवा जा रही है, नाक से फिर भी नहीं आ रही, मुँह खोल रहा हूँ, मुँह से भी सांस नहीं आ रही। फिर मैं
मतलब सांस अंदर लेते ना तो मैं सांस खाने जैसे लेने लग गया, मतलब कुछ तो जाए अंदर, जिंदा तो रहना पड़ेगा। वो बार बार मेरे को टैप कर रहा है कि कुछ साइन कर कैमरे को देखे, मैं सांस ले रहा हूँ कैमरे को देखे। भाई इतना फनी था ना ये। फिर जैसे वो खुलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट खुलता है ना, बस एक बार बहुत झटका लगता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। उसके खुलने के बाद वो कुछ भी करे फिर मजा आता है। फिर पैराशूट खुलने के बाद वो यूं यूं कर रहा था, यूं कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, वो पेट की हवा उधर ही निकल गई। देख अपने को पांचवा प्लेयर भी मिल गया है तेरे को, मतलब अपने को एक नया प्लेयर भी मिल गया है। गॉड को पता है, गॉड को पता है, पता है, पता है उसको भी। पांचवा प्लेयर नहीं, अपना नया टीममेट जो खेलेगा लाइनअप में, वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है फर्स्ट और आया था उसका गोल, सरवाइव कर पाए क्योंकि ये जो बागी है कभी ब्लास्ट हो जाएगी और गांड फटेगी। कह रहे लोन नहीं हो, लोगों को पता चल जाएगा तो भाई एक डेढ़ महीने तक वही चलता रहेगा कि वैसी नो गई। लेकिन हम तब भी नहीं बताएंगे, हम भी नहीं बताएगा और वो भी नहीं बताएगा क्यों है, क्योंकि हम क्योंकि आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे गांड मारोगे और उनकी भी गांड मारोगे तो हम नहीं चाहते। पब्लिक बोलता है क्या प्लेयर चुरा, प्लेयर कैसे चुरा सकते हैं भाई, अगर प्लेयर की मर्जी नहीं रहेगी आने तो। कुछ भी मतलब भाई स्पोर्ट्स है, ये थोड़ी ऐसा है तुम लोग जो बच्चे लोग में झगड़ा करते हो जाके। इधर मेरी टीम में आज तक है ना, आज तक रिकॉर्ड है भाई, किसी भी प्लेयर को हम लोगों ने जाके जिंदगी में पूछ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। सिगोर को भी पूछो, क्लचगोर को भी पूछो, ये चीज किसी को भी पूछो जाके। अब भाई स्पोर्ट्स छोड़ दूंगा अगर मैंने किसी को पूछा रहेगा तो, फोर्स किया रहेगा तो। हम लोग कभी भाई और हम लोग एक बार पूछे ना और एक बार सामने वाले ने मना भी कर दिया, और मैचेस मैनिपुलेट भी नहीं करते हम लोग। हाँ हम लोग जब गॉडल में आ रहे थे ना तो क्या हो गया था इसकी ना, ये स्मोकी था तभी, और स्मोकी बहुत पहले से था ना तो हम लोग उसको निकाल लेकर थे तो हम लोग की टीम में गए। उसने बोला नहीं मेरी टीम है, हम लोग ने उसका पूछा भी नहीं उसको सेकंड टाइम, उसने मना कर दिया। फोर्स थोड़ी करते हम लोग, और हमको भी खराब लग रहा था वो टाइम पे उनके लिए। हाँ और स्मोकी तो ये था, हम पूछे कि तुम लोग की टीम में रह जाओ, उनकी टीम में खेलो, उसने बोला था कि नहीं मेरी टीम है, तो फिर फोर्स नहीं किया उसके बाद उसको। और ये लेवल पे आके क्या भेंचो, तुम लोग फोर्स क्या करेंगे बंदे को। नहीं गाइस तुम लोग जितने भी चैट में डाल रहे हो ना वो नहीं है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तुम्हारी गांड फट जाएगी तुम्हारी। हां तुम लोग बोलेंगे भाई ये क्या हो गया किधर से, और उधर भी आधे से ज्यादा चूते लोग आ जाएंगे हेड देने। अरे किसको बोलते हैं मालूम है क्या, फॉर एग्जाम्पल नियो, जॉनी, मावी, स्काउट, जो लोग बहुत पहले से ये खेल रहे हैं, कॉम्पी खेल रहे हैं, उनको बोलते हैं ओजी, और अभी भी वो कॉम्पी में टिके हुए भाई। कोई गेस नहीं कर पाया, कोई नहीं भाई, अभी भी जो लिख रहे नहीं भी है, गेस नहीं कर सकते तुम लोग, मतलब मैं तो बोलता हूँ कल तक नहीं कर सकते गेस तुम लोग।